सुरंग के बाहर प्रकट हुए महादेव। पानी के स्रोत से बनी महादेव की आकृति, अब भोलेनाथ ही करेंगे समाधान। उत्तरकाशी के सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए 16 दिन से प्रशासन की जद्दोजहद जारी है। देश और विदेश में तमाम जगहों से तरह तरह की मशीनें लगाकर जोर आजमाइश हो रही है कि किसी तरह मजदूरों को बचाया जा सके, मगर जहां इंसान की कोशिशें जवाब दे जाती हैं, वहां आस्था पर विश्वास टिकता है। कुछ ऐसा ही हुआ है सिल्कियारा सुरंग के पास। उत्तरकाशी के टनल के बाहर प्रकट हुए हैं महादेव। टनल के मुख्य द्वार पर स्थापित बाबा बौखनाथ देवता के मंदिर के पीछे पानी के स्रोत से बनी महादेव की आकृति सबको आकर्षित कर रही है और भोलेनाथ में आस्था रखने वाले कह रहे हैं कि वही अब इस संकट का समाधान करेंगे। प्रकृति की आकृति में भी भगवान का वास होता है। पानी के स्रोत से बनी महादेव की आकृति इसी ओर इशारा कर रही है। इसके अलावा बाबा बौखनाथ का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें लोग पूजा करते दिख रहे हैं और साधना में लीन एक बाबा सबको आशीर्वाद दे रहे हैं कि जल्द सब ठीक हो जाएगा। परमेश्वर जय तरकबाद कोई विघ्न बाधा आली मैं फकीर सुंदर बोलो बाबा बौखनाथ की जय। भगवान परमेश्वर आगे से गलती नहीं करेगा, तो देख मेरे दरबार में छोड़ के आसम डाल। हां बिल्कुल लो जय भगत भैरव निकालो नु पूजा होली उमाथी देख लेना जा इतना का बात कोई विघ्न बाद आली मैं फकीर सुंदर जय। हाँ मेरी पूरी जनता गवाह सपूत है। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों का मानना है कि सुरंग निर्माण के लिए यहाँ बना बाबा बौखनाथ का मंदिर तोड़ दिया गया था, जिस वजह से सुरंग में ये हादसा हो गया। ग्रामीण सुरंग धसने को बाबा का गुस्सा और प्रकोप मान रहे हैं, जिसके बाद यहाँ पर एक नया मंदिर स्थापित किया गया ताकि लोगों की आस्था बनी रहे और देवता का गुस्सा भी शांत किया जा सके। इस मंदिर में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी जाकर सर झुकाया था और बाबा का आशीर्वाद लिया था। साथ ही सुरंग पर काम करने के लिए बुलाए गए ऑस्ट्रेलियन एक्सपर्ट प्रोफेसर अर्नोल्ड डिक्स ने भी अपना काम शुरू करने से पहले बाबा को नमन किया था और अब पानी के स्रोत से बनी महादेव की आकृति लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है। सब इसे भोलेनाथ का आशीर्वाद मान रहे हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।